तो आज के सेशन में हम लोग ईएमए पाथ देखेंगे. तो ईएमए पाथ को मैं बोलता हूँ कि ये ईएमए पाथ है या ईएमए जिसको बोलूंगा, ये हम लोग को एक डायरेक्शन देता है मार्केट में हमेशा कि हम लोग को ट्रेड कैसे डिप्लॉय करना है और कब कब डिप्लॉय करना है, कब कब डिप्लॉय नहीं करना है. और इसका जो डेटा रहता है सो ईएमए और डेटा व्यू. ईएमए का मतलब एक ईएमए से पहले टॉपिक पे बात करूंगा मैं. प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम शेयर्ड एप्लीकेशन. तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गन्स एंड बुलेट्स, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड हाउ इट इज एंड जीपीएस. एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे जो मैंने हमने जो ट्रेड किया है सेकेंड मार्च से लेके जो ट्रेड उठाए हैं वो ट्रेड मैंने कैसे एग्जीक्यूट किए थे या आप भी कैसे इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो मेन टॉपिक को टच करने जा रहा हूँ अभी. ईएमए के पहले एक गन्स और बुलेट हम लोग देखेंगे. ये एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं यूज करता हूँ एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए. गन्स मतलब क्या, मार्केट में जैसे ही मार्केट खुलता है हम लोग ट्राई करते हैं मार्केट से कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉफिट, मेजरली प्रॉफिट उठाए. लॉस उठाने के लिए कोई भी मार्केट में नहीं आता है, लेकिन प्रॉफिट उठाने के टाइम पे हम लोग को पता है क्या कि हम लोग कैसे उठाने जा रहे हैं प्रॉफिट, या हम लोग को क्या करना है जिससे सिर्फ हम लोग प्रॉफिट उठा सकते हैं. तो डेफिनेटली हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट ही उठा सकते हैं. और इसके लिए जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिया था उसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा टाइम फ्रेम के टाइम पे. हम लोग मेले में गए हैं, मेले में देर आर बलून्स, यू हैव अ गन, यू आर बाइंग सम बुलेट्स एंड यू आर यूजिंग दोज बुलेट्स टू फायर इन मार्केट एंड यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दैट. तो समझो आपने जो बुलेट ली है या जो गन यूज की है वो गन में एक वन इज ऑफ एक 20 रुपीज में बुलेट आ रहा है, एक 200 में आ रहा है, एक 2000 में आ रहा है. एक हर एक बुलेट का साइज अलग अलग है. ये बुलेट के साइज को मैं रिलेट करना चाहूंगा स्टॉप लॉस से. मतलब अगर आप 20 के स्टॉप लॉस से आप मार्केट में हो और आपने 1 रुपया खोया है तो आप 20 रुपये खोओगे. आप अगर 200 का गन यूज कर रहे हो, इसमें एक बुलेट 200 है, इसका मतलब आप 200 यूनिट उठा रहे हो और अगर आप 1 रुपया लॉस कर रहे हो तो यू आर लूजिंग 200 रुपीज एट ए टाइम. समझो आपने 2000 का लॉट साइज है आपका, आपने 2000 यूनिट्स उठाए हैं और आप 1 रुपया लूज कर रहे हो तो आपका लूज करने का स्पीड है वो 2000 रुपीज का रहेगा. इसका मतलब अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप 2000 के गन से आप गोलियां शूट कर रहे हो और 50 गोलियां आपकी वेस्ट हो गई तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा. इसके लिए
हम लोग को मार्केट जैसे ही खुलता है अपने को उस टाइम पे गन डिसाइड करना है कि आज हम लोग किस गन से शूट करेंगे, और जो गन हम लोग फर्स्ट ट्रेड में यूज करते हैं वही गन हम लोग को लास्ट ट्रेड तक यूज करना है। बीच में हम लोग को गन चेंज नहीं करना है। इसके लिए हम लोग ये टॉपिक पे आए, गन्स एंड बुलेट्स। तो गन्स एंड बुलेट्स इज नथिंग बट आपका मार्केट में एंटर करने के लिए जो लॉट या जो क्वांटिटी आप किसी भी स्टॉक में उठा रहे हो वो कैसे आपको हेल्प करेगा आपका कैपिटल लूज करने में। और आपको लूज करने नहीं देना है तो आपको एक ही रूल रखना है, आज के दिन में जैसे ही दिन शुरू होता है, समझो आपने रिलायंस उठाया है, रिलायंस का 500, फ्यूचर में रिलायंस का क्वांटिटी इज 500, बट 500 इज मोर कॉस्टलियर फॉर यू, या आपको लगता है 500 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स आप ट्राई कर सकते हो स्टॉक में 1/5 ऑफ दी फ्यूचर क्वांटिटी, ऐसा एक रूल डाल दीजिए। आपको रिलायंस के 500 यूनिट्स मिल रहे फ्यूचर में, तो 1/5 हो गया 100 क्वांटिटी। रिलायंस आप 100 क्वांटिटी में स्टॉक में उठाइए, डेफिनेटली आपको कैपिटल जो 100 क्वांटिटी उठाने में स्टॉक्स में लगेगा उतना ही इक्वल कैपिटल फ्यूचर्स में 500 क्वांटिटी में लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में वी गेट अ मार्जिन विच इज 15%, और 15% मार्जिन से आप 5 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन 5 गुना रिस्क है, 5 गुना आपको डर है ज़्यादा, तो आप स्टॉक में जाके 100 का गन यूज़ कीजिए एंड देन यू शूट एवरी ट्रेड विद दैट सेम गन। 100 आपने स्टार्टिंग 100 से किया है, ये सबसे छोटा गन बोलूंगा मैं। इससे छोटा गन आता है जिसको हम लोग पेपर ट्रेड बोलते हैं, जिसमें हम लोग 1 यूनिट यूज करते हैं। पेपर ट्रेड के लिए अगर आप कोई गन यूज कर रहे हो, मतलब आप एक ही आपको देखना है स्टॉक कैसे चलता है, तो आप सिंगल क्वांटिटी उठा लीजिए और सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। इससे आपको पेपर ट्रेड से अच्छा फीलिंग रहेगा, क्योंकि आप लाइव मार्केट में रहोगे और आपको पता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ आपका रिएक्शन क्या होता है। तो पेपर ट्रेड सिंगल यूनिट, उससे बड़ा गन जिसमें लेस फियर है, दैट इज फॉर 100 रुपीज स्टॉक में आप एंटर कीजिए। उससे बड़ा गन है 500 रुपीज का एक बुलेट, दैट इज रिस्की गन, और उसके ऊपर है आप 500 के मल्टीपल यूनिट्स उठा रहे हो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में। मतलब आप सिंगल क्वांटिटी ना जाते हुए, सिंगल यूनिट ना जाते हुए आपने रिलायंस के फ्यूचर में 10 लॉट्स उठाए, तो ये बहुत बड़ा डर है। 5000 यूनिट्स है एक गन, अगर एक रुपया आपने स्टॉप लॉस रखा तो 5000 आप लूज कर सकते हो। तो एक ही रूल रखना है, दिन के स्टार्टिंग में आपने जो गन यूज किया, ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड के लिए पेपर ट्रेड का गन यूज किया, दूसरे ट्रेड के लिए स्मॉल रिस्क वाला, और तीसरे ट्रेड के लिए बड़ा रिस्क वाला, फिर चौथे ट्रेड के लिए आपस वापस मिड रेंज वाले गन पे आ गए, तो उसके वजह से आपका ट्रेडिंग रिजल्ट स्पॉइल हो जाएगा और हम लोग अच्छा खासा गेन नहीं कर पाएंगे मार्केट में। वी कैनॉट अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ वी आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग दी गन। हम लोग गन सिलेक्ट कैसे करना है वो तो मैं ये सेशन में बताने वाला हूँ, या हम लोग गन का कौन से गन का उपयोग हम लोग कहाँ अच्छे से कर सकते हैं, ये हम लोग को EMA बताता है। इसके लिए ये सेशन में मैंने ये गन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट समझा। तो ऐसे बहुत टाइप्स के गन होते हैं, और एक अगर आपने गन फिक्स कर दिया एक दिन के लिए, और जो आपके साइकोलॉजी को रिस्की ना लगे उस दिन के लिए, एंड इफ यू आर यूजिंग द सेम गन ओवर द डे फॉर होल डे, इफ यू आर यूजिंग द सेम गन, देन आई कैन गारंटी यू इफ यू आर एडिंग सम स्ट्रेटजी टू इट यू कैन डेफिनेटली अर्न सम गुड अमाउंट। सो ये पूरे पार्ट का, ये सेशन के पूरे पार्ट का समरी ये है कि वी शुड यूज सेम क्वांटिटी ड्यूरिंग होल डे। इफ वी आर एंटरिंग 50 times, वी शुड हैव अ सेम क्वांटिटी इन ईच एंड एवरी ट्रेड, एंड दैट सेम क्वांटिटी शुड नॉट ट्रिगर एनी केमिकल रिएक्शन इन योर माइंड। ये हम लोग को ये सारांश है ये सेक्शन का, एंड वेन टू यूज विच गन, इसके लिए हम लोग ये EMA सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। Is this part clear to all of you? और आपको was it logical? और आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया, या अगर logical है then we can go ahead. The summary of the
summary of this part was using same gun for complete day. कुछ भी हो जाए मार्केट में कितना भी बड़ा मूव हो या कितना भी छोटा मूव हो जिस गन से हम लोग शुरू करते हैं एंड ऑफ द डे सेम गन अपने हाथ में होना चाहिए. दैट्स ऑल. ओके, अभी गन यूज करने से पहले वी शुड नो उसका रेंज क्या है या कौन से रेंज से हम लोग शूट कर रहे हैं. तो ये जो मूविंग एवरेज है ये हम लोग को एक रेंज देता है. ये रेंज का मतलब ये है, समझो आपके पास कोई शॉटगन है या आपके पास स्नाइपर है. आपके पास शॉटगन है तो आप यहाँ से शूट करोगे तो डेफिनेटली उसका रीच ज्यादा दूर नहीं रहेगा, लेकिन स्नाइपर का रेंज बहुत दूर का हो सकता है. तो स्नाइपर कब यूज करना है या हाइयर रिस्क वाला गन या एक्सपेंसिव गन कब यूज करना है. एक्सपेंसिव गन का मतलब किसी का स्टॉप लॉस 20 rupees है तो लेस एक्सपेंसिव हो गया. वी कैन यूज थाउजेंड्स ऑफ टाइम सेम गन. किसी का स्टॉप लॉस 200 rupees का है या 200 rupees है, देन वी कैन यूज दैट गन 50% ऑफ द टाइम. हम लोग जो 20 का यूज करेंगे उससे 50% कम टाइम हम लोग 200 का गन यूज कर सकते हैं. एंड इफ यू आर यूजिंग 2000 का गन देन यू कैन यूज द गन ओनली फॉर 10% ऑफ द टाइम. मतलब आपका जो गन यूज करने का कैपेसिटी कम हो जाता है क्योंकि रिस्क बड़ा है. हम लोग ज्यादा टाइम वो गन से शूट नहीं कर सकते और वो रेंज हम लोग को अगर पता नहीं है तो हमारे बुलेट्स डेफिनेटली वेस्ट हो जाएंगे. तो हम लोग को राइट टाइम पे राइट बुलेट यूज करना है. तो इसके लिए मूविंग एवरेज हम लोग को बहुत ही अच्छा एक टूल है. प्राइस के बाद अगर किसी चीज को हम लोग फॉलो कर सकते हैं तो है प्राइस का सॉरी एवरेज जो कि मूव हो रहा है. टाइम क्या हुआ है, एक मिनट. 11. ओके, तो ये सेशन 30 मिनट्स का होगा. अगर 30 मिनट्स में सेशन क्लोज होगा तो मैं फिर से रिकनेक्ट करूंगा, तो हम लोग सारे फिर से कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है या तो अभी मूविंग एवरेज मतलब आज के दिन में अगर हम लोग कोई भी मूविंग एवरेज पकड़ रहे हैं 10 days का मूविंग एवरेज. 10 days का मूविंग एवरेज मतलब 10 days में प्राइस कहाँ कहाँ पे क्लोज हुआ है या इन दैट 10 days वेन एवर देर इज अ क्लोजिंग ऑफ अ कैंडल. 10 days में बोलूंगा तो डेफिनेटली कैंडल वन कैंडल रिप्रेजेंट्स वन डे. अगर 10 minutes में बोलूंगा देन वन कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 minute. ऐसे 10 candles का क्लोजिंग इफ यू आर इन डेली टाइम फ्रेम देन इट इज अ डेली क्लोजिंग. इफ यू आर इन 15 minutes टाइम फ्रेम देन 15 minutes के कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस 10 closing का एवरेज निकलता है जिसको हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं. और ये सिंपल मूविंग एवरेज में प्राइस जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो प्राइस क्या होती है कि सारे प्राइस को हम लोग उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं. सारी प्राइस मतलब 10 दिन पहले के प्राइस को उतना ही इंपॉर्टेंस है, 9th day पहले के प्राइस को उतना ही इंपॉर्टेंस है, 8th day या 5th day या टुडे आज के प्राइस को और 10th day पास्ट 10 मतलब प्रीवियस 9 days के पहले जो दिन था उसको हम लोग सेम इंपॉर्टेंस देते हैं. इसका मतलब हम लोग ने वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है और उससे क्या होता है कि हम लोग को आज के प्राइस का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाता है. तो ये इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे किसी ने निकाला है. बहुत ही अच्छा बंदा है जिसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला है. उसने क्या किया कि ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उसने वेटेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आज के दिन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहे कंसिडरिंग द प्रीवियस 9 days. मतलब अगर हम लोग 10 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं तो उसमें आज का दिन भी कंसिडर होगा और आज के दिन को 20% वेटेज रहेगा और बाकी सारे दिन को मिला के 80% वेटेज रहेगा. तो ऐसे अगर वेटेज हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो रिसेंट प्राइस अगर हम लोग ने कंसिडर कर ली तो रिसेंट प्राइस के वजह से हम लोग को एक थोड़ा और प्रिसीजन मिल जाता है नेक्स्ट मूव के लिए. और इसके वजह से हम लोग ऐसे में या मूविंग एवरेज प्लेन मूविंग एवरेज यूज ना करते हुए वेटेड मूविंग एवरेज यूज करते हैं. तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं जिसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उन्होंने क्या किया है कि ड्यूरेशन जो पीरियड रहता है वो पीरियड के हिसाब से हम लोग ईएमए तो पीरियड के हिसाब से एसएमए तो निकाल लेते हैं हम लोग. मतलब पीरियड माइनस कुछ तो है क्लोजिंग नंबर ऑफ क्लोजिंग मतलब समझो 10 दिन है 10 दिन माइनस नंबर ऑफ क्लोजिंग फॉर दोस 10 days डिवाइडेड बाई 10 ऐसे करके मूविंग एवरेज निकलता है. वो मूविंग एवरेज में हम लोग को वेटेड मूविंग एवरेज डालना है. वेटेड का मतलब हम लोग को किसी एक दिन को इम्पोर्टेंस कितना पकड़ना है वो डालना है.
इम्पोर्टेंस का मतलब टू डिवाइडेड बाय सम फैक्टर है उनका, तो टू डिवाइडेड बाय सम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम लोग करंट दिन को कितना इम्पोर्टेंट पकड़ेंगे। नॉर्मली हम लोग ने सबको अगर 100% इम्पोर्टेंट पकड़ा तो हमारा जो प्राइस का वैल्यू है या प्राइस का जो सिनेरियो है वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा, प्राइस कंसिडरेशन या वैल्यू न्यूट्रल हो। जैसे ए डिवीजन में सारे स्टूडेंट अगर ब्राइट है तो ए डिवीजन में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ने 60% लिए तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन किस हु इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग आज जो जिसने परफॉर्म किया उस स्टूडेंट को हम लोग थोड़ा ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसा हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो इसके लिए ये वेटेड मूविंग एवरेज आया है और इसका एक हेल्प हम लोग को होता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज 375 या 88, तो हम लोग जो डेज कंसिडर करते हैं, डेज का लॉजिक हम लोग को टाइम फ्रेम से पता है कि Q75 है, Q375 है, उससे हम लोग को एक प्रिसाइज डेटा मिलता है और वो प्रिसाइज डेटा से एक प्रिसाइज व्यू हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। और इसके लिए प्रिसाइज व्यू बिल्ड होने के बाद नाउ इट कुड बी अ राइट टाइम, मतलब अगर हम लोग का क्या बोलेंगे एक रेंज सेट हो गया। रेंज का मतलब अगर किसी टारगेट को हिट करना है, जैसे वो डार्ट का गेम रहता है, सेंटर में सर्कल सामने अपने एक टारगेट रहता है जिसमें मल्टीपल सर्कल्स रहते हैं डार्ट के गेम में। एक मिनट मैं थोड़ा सामने रखता हूँ, शायद अपने सेशन में हेल्प होगा उसका। या आर्चरी का जो गेम है